जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सितारा फाउंडेशन में और हमारे साथ हैं फैसलाबाद की जानी मानी शख्सियत, समाजी कारकुन हैं, बहुत बड़े कपड़े के बिजनेसमैन हैं और सितारा फाउंडेशन के रूहे रवां हैं। जब से सितारा फाउंडेशन का आगाज़ हुआ है, सितारा फाउंडेशन के साथ हैं। कोई भी काम हो, अपना किसी कम्युनिटी के लिए कोई गिफ्ट हैम्पर हो, कपड़े हो, सूट हो, मेडिसन हो, आज इन्होंने मेडिसन भी यहाँ पे लेकर आए हैं। आज इतनी सर्दी और ठंड में इन्होंने लोगों को जो गर्म कपड़े भी आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आप माशाल्लाह ये इतना जो समाज फैसलाबाद में इतना काम कर रहे हैं, तो आप कि हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप यहाँ पे आते हैं और आपकी राय भी लेंगे कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे सितारा फाउंडेशन आके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैडम आपका शुक्रिया जो आप तशरीफ़ ले आई। तो मैंने एक ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है कि वो हमारे ज़ाती अदारे भी, हॉस्पिटल और अल्लाह की मेहरबानी से सिलाई सेंटर, स्कूल वगैरह, सारे वो जितने भी कर रहे हैं, हम किसी से ख़ास तौर पे किसी से कोई ना इसका रिफ़ंड लेते हैं। जैसे लोग करते हैं 100 रुपये लगाया और 150 रुपये रिफ़ंड ले लिया, ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी ऐसा अदारा जो ओल्ड एज है, नबीनों का है, कोई भी अदारा है, अभी जो क्रिश्चियन भाइयों का ये वो गया, मेरे ख्याल शायद ही कोई इमट उंड का गया है, तो मैं कोशिश यही रहा है, मेरे ख्याल शायद ही कोई मेरा वो चर्च में जाना ना हो, मैं हस्ब तौफीक यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूँ। तो मेरा ये ज़िंदगी का एक मकसद है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी आप काम करते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक उससे 100 गुना आपको वापस रिटर्न देता है। तो मैंने अपना जो भी खिलाड़ियों में हो, कोई भी हो, ऐसा काम ख़ास तौर पे जो जो 3 बच्चे हैं, नबीने हैं, माजूर हैं, तो इनका जितना भी मेरे ख्याल हो, इंशाल्लाह ताला मैं ख्याल करता हूँ, उनकी सरपरस्ती करता हूँ, तो सिर्फ मैंने अल्लाह को खुश करना है, बस अल्लाह को। उसके जो वजह कायनात हैं, खातम नबी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, यही मेरा मकसद है बस। सर अभी आपने ऐलान किया है, आपने छोटी सी मेडिसिन जो डिस्पेंसरी भी सितारा फाउंडेशन को डोनेट कर रहे हैं, और साथ में आपने कहा कि जो यहाँ पे ख्वातीन सीखेंगी सिलाई सेंटर में या ब्यूटिशियन का कोर्स जो भी यहाँ से लेंगी, उनको आप जॉब भी ऑफर करवा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए मैडम, अभी पता है कि ये बैकवर्ड इलाका है बहुत ज़्यादा, इसमें बेचारे अक्सर जो है सफ़ेद पोश हैं, जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो मैं यही सबसे पहले, अभी मैं शहर से बाहर था तो मुझे ये पता चला, ये इतना पूरा इलाका जो है ना बेचारे, वो किसी को जुकाम, जितनी सर्दी इस टाइम मौसम है, मैंने सबसे पहले ये काम किया भाई, मैं इनको कहा भाई 2-3 महीने की जो है वो मेडिसन दें, क्यों, और ये ब्यूटिशियन का है माशाल्लाह, ये डिप्लोमा है इनका, बहुत बड़ा इनका नाम है, इनसे मीटिंग हुई भी, आप इनसे जो यहाँ पे लड़कियाँ जो भी काम सीखने, कल वो अपना पूरा अपना ख़ानदान जो है ना किसी की तरफ मुँह ना देखें, अपना वो अपना काम चला सकें। तो यही मेरी कोशिश होती है भाई, जो मैं इनसे अब जब ये फारग हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह ताला इनको नौकरियां भी दिलवाएंगे, हर चीज़ होगी, कम से कम मैं ये जब जितनी मेहनत करेंगी तो फिर उनको फिर इंशाल्लाह ताला उनका ही उतना ही फल मिलेगा, ये मेहनत नहीं करेंगी तो फिर वो सारा मेरा वो किया गया।
नहीं जी, ये मेहनत करेंगी, जैसे अल्लाह ताला ने आपको इनका मसीहा बनाकर भेजा है, ये हमें उम्मीद है कि ये आपकी और आप जैसे लोग जो लोगों की खिदमत करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं, ये उनकी ज़रूर अपना क्या उसको कहते हैं खिदमत का सिला देंगी और काम भी करेंगी। सर, सितारा फाउंडेशन की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही यहाँ पर सितारा फाउंडेशन में अपनी खिदमत पेश करते रहेंगे और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल न्यूज़ से।